हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मज़ेदार के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। जितना हो सके उतना पढ़िए। और कुछ लोग बोल रहे हैं, मैसेज भी किए थे कि फिर से एग्ज़ाम से, तो हम रोज़ एग्ज़ाम से रिलेटेड बात करेंगे दोस्तों, ताकि आपका मनोबल है वो डाउन ना हो। और जितना हो सके उतना पढ़िए, गर्दा उड़ा देना है, एग्ज़ाम के पीछे मत भागिए। आप फॉर्म भरे हैं तो आपका एग्ज़ाम होगा ही होगा, न होने का कोई सवाल नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो परीक्षा तो होगा ही, कब होगा ये हम बता रहे हैं आपको। और क्योंकि बीच बीच में यार कुछ लोग हैं मेरे साथ जो जुड़े हैं चैनल पर, वो लोग देख रहे हैं इधर डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, डिमोरलाइज हो जा रहे हैं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। क्योंकि क्यों नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, तो सर एग्ज़ाम का नोटिस नहीं निकल रहा है इसलिए पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। अरे भाई, एग्ज़ाम तो होगा ही ना, बताते हैं क्यों नहीं एग्ज़ाम हो रहा है, क्यों लेट हो रहा है, एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा है, क्यों लेट हो रहा है। आप लोग के दोस्त हैं, मेरे दोस्त हैं, तो आप लोगों के भी दोस्त हैं, डॉक्टर विकास, विकास जी हैं, तो क्या सब इन्फॉर्मेशन हम लोग लेते रहेंगे, ठीक ना। बस आप लोग बने रहिए चैनल पर, नए होंगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। जितना हो सकेगा हम करेंगे आप लोगों के लिए। अब बोल दिए हैं जब शुरुआत में, ठीक है ना। देखिए यूट्यूब पर आए हुए हमें ज़्यादा दिन नहीं हुआ है दोस्तों, कितना हुआ है, 7-8 महीने, ओके, 7-8 महीने आए हुए हुआ है, 7-8 महीने हुआ हमको यूट्यूब पर कार्य करते हुए। और मैंने बोल रखा है जब से शुरुआत किया है तब से बोला है, इसी का शुरुआत किया है आप ही लोगों का, ठीक है। बिहार SSC CGL से स्टार्टिंग हुआ था। और एक और आप लोगों को खुशी हो रही है बताते हुए कि ऑफलाइन क्लास में हमारे साथी जो आते हैं वीडियो में वो पढ़ाते हैं। कॉम्पिटिटिव में सिर्फ 9 छात्र ही पढ़ते हैं, कितने, 9 लड़के, और SSC GD में 9 का रिजल्ट हो गया, 9 का रिजल्ट हो गया दोस्तों। खुशी की बात यही है कि 9 का रिजल्ट हो गया, SSC GD में 9 छात्रों का सिलेक्शन हो गया, 9 छात्रों का, इसमें से 5 छात्र क्या हुए, दौड़ में छट गए दोस्तों, बाकी 4 जो हैं उनका मेरिट बनने वाला है, तो मेरिट बन जाएगा तो हम आपके समक्ष मिलवाएंगे। और एक और स्टूडेंट का रिजल्ट आया है, आज ही आया है, वो ग्रुप डी में उसका ज्वाइनिंग लेटर आ गया। हम ग्रुप में ज्वाइनिंग लेटर भेज देते हैं आप लोगों के बीच, देख लीजिएगा, और उसको भी बुलाएंगे मिलवाने के लिए आप लोगों से। हम देखिए ना, तो विद्वान है दोस्तों, आप ही लोगों की तरह हैं, बस मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं हम सिर्फ उन्हें गाइडलाइन करते हैं, और मेहनत वो लोग करता है, मेहनत करता है, और रिजल्ट उनके दम सर पे होता है। तो चलिए हम लोग एग्ज़ाम से रिलेटेड बात कर लेते हैं कि कब एग्ज़ाम होगा। देखिए पटना हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में जो हमारे जज साहब हैं उनका तबादला होने वाला है, ठीक है दोस्तों, तबादला होने वाला है। नहीं तो आपको जो अनाउंस किया गया था कि 1 जुलाई को आपका क्या होगा, नोटिस निकलेगा, 1 जुलाई को आपका नोटिस निकलेगा, लेकिन क्या हुआ, वो इसी वजह से क्या हो गया, आपका लेट हो गया। जज साहब का क्या हो जाएगा, वो इनके बदले दूसरे जज साहब आएंगे ना, बस छोड़ रहे हैं। 1 जुलाई को क्या हुआ, नोटिस निकलने वाला था, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मिला कि इनको, इनका तबादला होने वाला है या रिटायर होने वाले हैं, तो इसी में लेट हो रहा है। अब इनके जगह क्या होंगे, दूसरे जज साहब आएंगे, ठीक है, वो आएंगे अपना सब क्या करेंगे, मीटिंग शेड्यूल करेंगे, ठीक है। उस शेड्यूल के तहत क्या करेंगे, अब देखिए जुलाई में तो आपका एग्ज़ाम होगा नहीं, जुलाई में आपका एग्ज़ाम होने वाला नहीं है दोस्तों, एग्ज़ाम जुलाई में आप भूल जाइए, ठीक है, जुलाई में आप लोग का एग्ज़ाम नहीं होगा। इसलिए आप लोग अगस्त का इंतज़ार कीजिए कि हमारे जज साहब, यानी आप लोगों के भी जज साहब हुए, तो ये जब ये कार्यभार संभारेंगे, अपना कार्यभार संभारेंगे, तो समझ लीजिए कि अगस्त तक शायद कोई नोटिस निकल कर आए इनके द्वारा। और हमारे दोस्त जो हैं, आप लोगों के दोस्त भी हुए विकास जी, वो तो इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे कब एग्ज़ाम होगा कब नहीं होगा, हम लोग जल्द बात करेंगे उस पर, ठीक ना। जितना हो सके उतना बात कीजिएगा आप लोग भी, वो जल्द ही आएंगे आप लोगों के समझ। एग्ज़ाम का टेंशन मत लीजिए, एग्ज़ाम होगा तो होगा, बस इसी में लेट हो रहा है कि जज साहब बस एक बार अपना कार्यभार संभाल लें, संभाल लेंगे तो एग्ज़ाम आपका होगा, ठीक है सर।
आइए, 2 मिनट आप भी बता दीजिए जो भी है।